जयपुर से कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं अभी और सूत्रों के हवाले से खबर है कि बाड़ी से उनको बीजेपी का प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है। तो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं कांग्रेस विधायक मलिंगा, जिनके लिए खबर है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और बीजेपी उनको बाड़ी से अपना उम्मीदवार बना सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी और उसी क्रम में कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। बाड़ी से बीजेपी उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। तो बाड़ी से बीजेपी गिरिराज सिंह मलिंगा को उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं। जयपुर से इस वक्त ही बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा बीजेपी ज्वाइन करने के लिए दफ्तर पहुंचे हैं बीजेपी के और आगे हो सकता है कि बाड़ी से बीजेपी उनको अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दे। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां बदलने का जो क्रम है उसी क्रम में यह भी बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और गिरिराज सिंह मलिंगा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सहयोगी बाल वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बाल, ये दल बदल का जो दौर है ये अब होता है विधानसभा चुनाव से पहले और अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में ये बड़ी खबर है कि कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा बीजेपी ज्वाइन करने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में अभी? कहा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है कोई भी नेता हो, दल बदल का जो ये रहता है जिसके अंदर कोई भी बीजेपी से कोई कांग्रेस में शामिल हो रहा है तो कांग्रेस से कोई बीजेपी से, अगर बात की जाए बीजेपी की राजस्थान के अंदर तो बीजेपी में आप देखेंगे कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस के जो कुनबे पे सेंधमारी कर रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो लगातार 3 बारी से विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं राजस्थान के विधानसभा तक हैं तो वो अब कांग्रेस के अंदर शामिल हो रहे हैं, क्योंकि लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि जो गिरिराज सिंह मलिंगा हैं उन्हें कांग्रेस टिकट देगी, लेकिन टिकट कटने से वो काफ़ी समय से नाराज़ थे, लेकिन अब उन्होंने जिस तरीके से ऐलान किया है सार्वजनिक तौर पे उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अब कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। क्योंकि आपको बताएं अगर गिरिराज मलिंगा की, तो गिरिराज मलिंगा है अभी भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं, उसके बाद यहाँ पे जो मीडिया सेंटर है जो बीजेपी का बना हुआ है वहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री हैं जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, इसके अलावा नारायण पचारिया है, उनके समक्ष गिरिराज सिंह मलिंगा है ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और बीजेपी के ये भी राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो जाएगी बाल कि जो ज्वाइन कराने की इनको भाजपा कार्यालय पर प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी, क्या कोई बड़ा नेता भी आ रहा है? बिल्कुल, जो अगर बात की जाए जो गिरिराज सिंह मलिंगा के ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग लगभग 3:30 बजे का मीडिया को इनवाइट किया है भाजपा के जो मीडिया सेंटर कार्यालय है, जो वॉर रूम जिसे हम कह सकते हैं, वहां पे मीडिया को इनवाइट किया गया है। और जो इस पूरे कार्यक्रम के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत है, नारायण पचारिया है, वो इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा गिरिराज सिंह मलिंगा के अलावा अन्य दलों से कई और भी लीडर्स हैं, जो सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है वो गिरिराज सिंह मलिंगा का है, क्योंकि आपको बताएं कि 3 बार से बारी से ये विधायक रहे हैं और लगातार जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो राजस्थान के जो 2018 के अंदर गहलोत सरकार बनी थी उस दरमियान जिस तरीके से जो 25 सितंबर की जो घटना थी उसमें गिरिराज सिंह मलिंगा है, जो राजेंद्र गुड़ा है, तमाम जिसको G6 के नाम से जाने जाते हैं, ये तमाम वो नेता हैं जो जिनकी टिकट कटने की वजह से नाराज चल रहे थे, जो कांग्रेस
के आला कमान से। अब उन्होंने सार्वजनिक तौर पे एक ऐलान किया है कि वो अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे और बीजेपी के अंदर उन्हें बारी से जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से वो बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाया जा बनाने की जो एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है, वो तो जो बीजेपी की जो शेष दो सीटें बची हुई है वो उसके बाद ही पता चल पाएगी कि जो ऑफिशियली जो लिस्ट जारी होगी उसमें मलिंगा का नाम आता है या नहीं आता। अगर बात की जाए जो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके अंदर ज्योति मिर्दा है, इसके अलावा ज्योति खंडेलवाल है, अब जो बड़ी नेताओं के अंदर जिनका नाम आ रहा है वो है गिरिराज सिंह मलिंगा। क्योंकि गिरिराज सिंह मलिंगा बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी के जो एक जो बारी विधानसभा से अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है तो गिरिराज सिंह मलिंगा को बीजेपी शायद, क्योंकि राजनीतिक गलियारों के अंदर एक चर्चा भी चल रही है कि गिरिराज सिंह मलिंगा को बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाकर उतार सकती है। जी राम, ठीक है बाल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये प्रक्रिया इस वक्त बता रहे हैं हमारे संवाददाता कि 3:30 बजे ये उनको शामिल कराने की प्रक्रिया होनी है और तमाम बड़े नेता भी राजस्थान बीजेपी केस में शामिल रहेंगे।